हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास टेंथ का मैथ के बुक में दूसरा पाठ जो है बहुपद का है। बहुपद के विषय में नाइन्थ में भी पढ़ा गया है और लोअर क्लासेस सिक्स सेवन एट्थ में भी इसके विषय में बातें हुई हैं। यहाँ पर बहुपद के विषय में हम लोग उसके आगे अध्ययन करेंगे और इस क्रम में सबसे पहले बहुपद के विषय में अगर बात किया जाए, बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों का घात केवल धनात्मक हो, धनात्मक चर राशि के घात जो होते हैं, चर राशि के घात जो है धनात्मक हो, धनात्मक हो और पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक या शून्य भी हो सकता है, अर्थात कुल मान, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ऐसे व्यंजक जिसमें चर राशियों के घात जो है ऋण पूर्णांक न हो, केवल धन पूर्णांक हो और शून्य हो सकता है, तो ऐसे व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद के व्यापक समीकरणों को ऐसे लिखा जा सकता है कि एक बहुपद यक्ष का माना जाए तो इसके व्यापक समीकरण के लिए हम लोग, अगर व्यापक समीकरण, व्यापक बहुपद में हम लोग चर भी लेते हैं, अचर भी लेते हैं। अचर के रूप में अगर हम लोग ए जीरो ए वन लें और चर के रूप में हम लोग एक्स लें तो एक व्यापक बहुपद के पद को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके ये अनंत तक जा सकता है या अन तक जा सकता है। तो बहुपद होने के लिए ये आवश्यक है कि बहुपद में जो चर राशि के घात हों वो धनात्मक हों, पूर्णांक हों या शून्य हो। अगर घात धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, पूर्णांक नहीं है, परिमेय संख्या के पद में है, तब वह व्यंजक जो है, व्यंजक तो होगा लेकिन वह बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग किसी बहुपद को लिखें टू एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स, तो यह एक बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक्स का घात जो है तीन बटे दो है और तीन बटे दो जो है यह जो है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ये जो है बहुपद नहीं कहलाएगा, ये बहुपद नहीं है। और दूसरा कोई समीकरण लें या बहु व्यंजक लें, जैसे कि मान लीजिए क्यू एक्स और ये ले लिया रूट टू एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एनीथिंग, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो व्यंजक है ये बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ घात जो है दो का घात जो है एक बटे दो है, या दो जो है दो का घात जो है पूर्णांक संख्या में नहीं है, तो ये अचर का घात पूर्णांक हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, मतलब है चर राशि का घात जो है वो पूर्णांक हो, चर राशि का घात यदि पूर्णांक के पदों में है तो ऐसे